नमस्कार, वेलकम टू म्यूजिक ट्यूटोरियल विद मनोरंजन, जहाँ पे आपको मिलता है म्यूजिक का बेहतरीन टिप्स एंड ट्रिक्स। दोस्तों, मैं आज आपको बताऊंगा वायलिन एंड गिटार दोनों में एक जॉइंट सेशन मैं ले रहा हूँ। इसमें क्या है, मैं 6 बीट का उसमें कैलकुलेशन, एक जो है थोड़ा हायर वर्सन कैलकुलेशन, मतलब जैसे काउंट किया जाता है, उसके ऊपर मैं आपको एक सरगम बताऊंगा और उसका कैलकुलेशन बताऊंगा। आप पहले उसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा मुंह में, मतलब बोल के, जब तक आप ब्रेन में नहीं बैठाएंगे तब तक इसको आप ना तो वायलिन में बजा सकते हैं ना तो गिटार में बजा सकते हैं। ठीक है, चलिए मैं आपको कैलकुलेशन, ये जो है मेट्रोनोम में है, जो टेम्पो है 100 है, दिस इज 6/8। ठीक है, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, ये ऐसा कैलकुलेशन है। सारे गा रे गा मा गा मा पा मा पा धा पा धा नी धा नी सा नी धा नी धा पा धा पा मा गा मा गा रे सा। सारे गा रे गा मा गा मा पा मा पा धा नी धा नी सा नी धा नी धा पा धा पा मा गा मा गा रे सा। दिस इज वन। सेकेंड क्या है, सा सा रे गा गा मा मा गा मा मा पा पा मा मा पा पा धा 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 पा पा धा धा नी नी पा पा धा धा नी नी सा सा नी धा धा पा पा मा मा पा पा मा मा गा गा मा मा गा रे सा सा। इसमें रुकना नहीं है, सा सा रे गा गा मा मा गा गा मा मा पा पा धा धा पा पा धा धा नी नी पा पा धा धा नी नी सा 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 नी धा धा पा पा मा मा गा गा रे सा सा। तो ये हो गया सेकेंड। इसको पहले बोल के आप उसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। उसके बाद थर्ड जो है, सारे गा मा पा धा मा पा धा नी सा सा नी धा पा मा धा पा मा गा रे सा। सारे गा मा पा गा मा पा धा नी सा सा नी धा पा मा धा पा मा गा रे सा। तो ये जो तीन है, ये तीन सरगम को आपको वायलिन में, अगर आप वायलिन बजाते हैं वायलिन में प्रैक्टिस करना पड़ेगा, या गिटार में प्रैक्टिस करना पड़ेगा, या तो इसको गिटार में भी आप कीबोर्ड में भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, लेकिन इसका जो बोल है ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए मैं इसको बजाता हूँ वायलिन में। वायलिन में बजाऊंगा तो कैसे रहेगा, ये सी सी पीस है। सेकेंड वाला मैंने बोला, सा सा रे गा गा मा मा गा गा मा मा पा धा धा नी नी सा सा बिना रुके। ठीक है, ठीक है, ये हो गया सेकेंड। थर्ड, सारे गा मा पा गा मा पा धा नी सा
सा नी धा पा नी धा पा मा धा पा मा गा पा मा गा रे मा गा रे ये हो गया वायलिन में, ठीक है। वही चीज में गिटार में बजाऊंगा। इसमें गिटार में देखिए, पहला वाला सेकेंड, ठीक है। थर्ड ठीक है, दोबारा तो ये जो हमने बताया ये जो है, आप चाहे वायलिन बजाए या गिटार में, क्योंकि कोड बजाने से पहले या वायलिन में स्टैकैटो या लगाटो कुछ भी बजाइए, स्पेशली स्टैकैटो के लिए रिदिम सेंस बेहद जरूरी है। नहीं तो क्या है कि आपका क्या होगा कि गलत होने की चांस बहुत रहता है। ये तो ये गया 6 बीट में, क्योंकि आने वाले टाइम में 8 बीट में भी ऐसे है, क्योंकि इसमें क्या है कि फॉर्मूला जो रहता है 1.5 वर्सन में चलता है कैलकुलेशन में, और ऑफ बीट में कुछ जगह ऑफ से शुरू होता है, 5 से। तो इसीलिए इसका कैलकुलेशन पहले दिमाग में बैठाने का, फिर इसको बजाने का, ठीक है। तो दोनों चीज में आपको बता दिया, यही चीज आपका, ये तो सी पीस में था, ये कीबोर्ड में भी बज सकता है। हालांकि वायलिन और गिटार इसलिए मैंने बताया क्योंकि ये दोनों इंस्ट्रूमेंट कीबोर्ड से थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, इसीलिए मैंने इसमें बजाया और ये चीज कीबोर्ड में भी लागू है, ठीक है। तो मैंने ज्यादा चीज नहीं दिया, 3 सरगम बताया, और आशा करता हूँ ये आपको अच्छा लगा होगा। और अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन दबाना ना भूलें, और ये चीज को शेयर कीजिए। और अगर आप मेरा कम से कम वायलिन में भी 50 वीडियो है, गिटार में भी 50 वीडियो है, और कीबोर्ड में 50 वीडियो है, तो अगर आपको देखना है सीक्वेंस वाइज, आप देखिए कुछ जगह है क्या है कि मैं कभी कभी ऐसा होता है कि मेरे को लगता है कि कुछ चीज छूट गया, तो मैं उसको दोबारा फिर करता हूँ, वीडियो बनाता हूँ। तो इसीलिए ताकि क्या है कि कुछ चीज तो होता है कि रिवाइज हो जाता है, और कोई चीज को अगर दोबारा भी किया है उसमें कोई बुराई नहीं है। तो आशा करता हूँ आप इसको प्रैक्टिस कीजिए, और हाँ प्लेलिस्ट को जाइए, प्लेलिस्ट में आप अपना हिसाब से आप चॉइस करके, आप चाहे वायलिन लीजिए, पियानो लीजिए, कि आपका गिटार लीजिए, आप बजा सकते हैं, और उसमें स्टाप नोटेशन भी है। और आप अगर आप मेरे को कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं तो टाइप म्यूजिक ट्यूटोरियल विथ मनोरंजन @facebook
उसमें आपको व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, या मेरा साइट में फेसबुक लिंक भी है, उसमें भी आप क्लिक करके आप मेरे को मेरा नंबर आपको मिल सकता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना, अपना ख्याल रखिए, प्रैक्टिस कीजिए। नमस्कार, जय हिंद।